पंजाबी समाज के नेताओं द्वारा ऊंट पुल पर हमारी निज भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, उक्त आरोप पार्वती बाई कंजोलिया ने पत्रकार वार्ता में लगाई। ग्वालियर लोहिया बाजार निवासी पार्वती बाई कंजोलिया ने पंजाबी समाज के कुछ लोगों पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्थानीय ऊंट पुल पर शिव मंदिर के बगल में हमारी जमीन, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 917 वर्ग फुट है, हमारे स्वामित्व की है। उसके रजिस्ट्री इसका नगर निगम में टैक्स रसीद और माननीय न्यायालय के डिग्री द्वारा नजर के माध्यम से कब्जा दिलाया। उससे आदेश और उस जमीन से संबंधित दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। हम अपनी निजी भूमि पर बाउंड्री वॉल बना रहे थे, उसे पंजाबी समाज के नेताओं द्वारा नगर निगम से मिलकर तोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाबी समाज के नेताओं के पास किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं, उसके बाद भी हमको दबंगई दिखाते हैं। इस मामले में नगर निगम के आला अधिकारी कर्मचारी उन नेताओं के साथ हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए नगर निगम कर्मचारी कोई भी कदम उठाने से डरते हैं। हमने इस बात की शिकायत निगम कमिश्नर को भी कई बार की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे ऊपर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने पंजाबी समाज के दुष्यंत सहनी, जगदीश अरोरा, सुभाष अरोरा, तिलक बेरी, प्रमोद पहवा, रवि बत्रा सहित अन्य पंजाबी समाज के लोग हमें विभिन्न तरह से धमका रहे हैं। मैं पार्वती बाई कंजोलिया जी का अभिभाषक हूँ। क्या मामला है पूरा जी? जमीन का मामला ये है कि इनके पति शंकर लाल कंजोलिया जी ने जमीन किराए के दी थी, उसके बाद ने आपके वहाँ पर रहे, वहाँ पे अपना बांस बल्ली का टाल लगाया, टाल ला के ये वहाँ पे निवास करते थे, वहीं पे रहते थे और वहीं पे इनका सब कुछ था, खाना पीना सब ये वहीं करते थे। उसके बाद नगर निगम ने इनके एक केस लगाया कि ये ज़मीन नगर निगम की है, तो नगर निगम के खिलाफ जब केस चला तो कोर्ट ने शंकर लाल कंजोलिया के फेवर में एक आदेश पारित किया 1980 में, ये कहते हुए कि ये ज़मीन जो है शंकर लाल कंजोलिया जी की है। 29/10/1986 को ये आदेश हुआ था नगर निगम के खिलाफ कि शंकर लाल कंजोलिया जी की ज़मीन है और इस पर पूरा स्वामित्व उनका है, अधिपत भी उनका है, किसी भी व्यक्ति का नहीं है। फिर उसके बाद नगर मंदिर ने भी एक कब्जे केस लगाया कि संपत्ति मंदिर की है, तो मंदिर के खिलाफ भी केस जीते हम लोग 1980 में। 1980 में केस जीते, 31/7/1980 को मंदिर के खिलाफ केस जीते, ये कहते हुए कि भैया ये ज़मीन शंकर लाल कंजोलिया जी की है, किसी की नहीं है। उसके बाद नगर कोर्ट ने हमें कब्जा दिलाया, कब्जा दिलाने के बाद हमने वहाँ पर अधिपत लिया, अपना अधिपत के हम कागज लाए। उसके बाद शंकर लाल कंजोलिया जी की मृत्यु हो गई। शंकर लाल कंजोलिया जी की मृत्यु हुई तो पार्वती बाई कंजोलिया जी ने अपने नामांकन के लिए आवेदन दिया, तो नगर निगम ने नामांकन करने से मना किया। उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन लगाई, पिटीशन में आदेश हुआ कि इनका नामांकन किया जाए। उसके लिए उन्होंने अपने लिखित में उपायुक्त ने लिख के कोर्ट में लेटर दिया कि हमने इनका नामांकन कर दिया है। मैं एक मिनट बताता चल रहा हूँ। नगर निगम ने आवेदन दिया कोर्ट में कि हमने इनका आदेश कर दिया है और नामांकन कर दिया है वहाँ पर। उसके बाद हमने टैक्स जमा करने का, तो नगर निगम वहाँ टैक्स जमा नहीं करती है। उसके बाद हम चले वहाँ पे, हमने अपना बाउंड्री वॉल करी, अभी 15 दिन पहले एक बाउंड्री बनाई हमने अपनी, ये कहते हुए कि हमारी जगह है, बनाए हम बाउंड्री। तो वहाँ पे मंदिर वाले आए, मंदिर वालों ने वहाँ पे मनाने से हमें आपत्ति करी, आपत्ति पे हमने उनका विरोध किया, तो नगर निगम वालों में उनने शिकायत करी। नगर निगम कमिश्नर महोदय से उनका जाने क्या बात हुई क्या नहीं हुई हमें नहीं मालूम, तो नगर निगम कमिश्नर महोदय आए, उनने एक आदेश निकाला कि बाउंड्री वॉल तोड़ दी जाए। तो हमने उनसे कहा कि आप हमें लिखित में सूचना दें, आप बाउंड्री वॉल किस अधिकार से तोड़ रहे हैं, तो उनने नहीं बताया हमें, वो बाउंड्री वॉल तोड़ के चले गए। उसके बाद नगर निगम वालों के से जैसे क्या उनका मंदिर वालों का, रवि बत्रा है एक और, तिलक बैरी, प्रमोद पावा, जगदीश अरोरा, सुभाष अरोरा, दुष्यंत सानी, जो लोग इकट्ठे होते हैं, इसमें जगदीश अरोरा जी के नगर निगम में अधिकारी है, तो पूर्व अधिकारी है, तो उनके द्वारा ये सब काम किया था, नगर निगम उनका साथ देती है। तो वहाँ पर अभी 4 दिन पहले हमें मालूम पड़ा, 4-5 दिन पहले उन्होंने एक गेट बना दिया, नया गेट बना दिया, और ये कहते हैं कि 100 साल पुराना गेट है हमारा, जिसके लिए हमने वहाँ पे फोटो भी दी है लगाई, इसमें देखें आप, वहाँ कोई उनका गेट नहीं था, किसी प्रकार कोई गेट नहीं था, उनने गेट लगा निकाल लिया, और हमें किसी वहाँ पे ना कब्जा नहीं देते, करने देते हैं अपनी ज़मीन पे, हमें रखने नहीं देते हैं। हाँ, मंदिर वालों से और नगर निगम दोनों से परेशानी है।
हमने नगर निगम में शिकायत करी है, तो एसपी के यहाँ शिकायत करी है, पुलिस थाने में शिकायत करी, कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जगह हमें मिल जाए, वहाँ निर्माण नगर निगम निर्माण स्वीकृति दे दें, हम अपना भवन बना लें और निवास करें वहाँ पे अपना। ये है ऊँट पुल पे शिव मंदिर बना रखा है, उसके बाहर जगह है, वहाँ पे हमारा एक अभी बोर्ड भी लगा हुआ है, वो बोर्ड हटाने के लिए आए दिन प्रयास करते हैं और मारने की धमकी देते हैं हम लोग।